तो आज हम अभी दिखाने वाले हैं आपको आज हमने क्या शॉपिंग की है और उसकी जो अनबॉक्सिंग है सारे शॉपिंग की सामान जो है दिखाने वाली है। एक गया और दूसरा भी आ गया है। चलो अभी हम चलते हैं अपने टेरेस गार्डन की सैर करने। तो आज हम अभी दिखाने वाले हैं आपको आज हमने क्या शॉपिंग की है और उसकी जो अनबॉक्सिंग है सारे शॉपिंग की सामान जो है दिखाने वाली है मान्या। तो अब हम चलते हैं सीधे। शॉपिंग बहुत सारी की है हमने, कल भी की थी, आज भी की है और दिल्ली में आने का फायदा उठाया है। देखो शॉपिंग ठीक है। तो अभी मेरा कैमरा जो है वो आपकी शॉपिंग की तरफ जाएगा और मान्या आपको दिखाने वाली है। हाँ तो मान्या, आज हमारी क्या क्या शॉपिंग हुई है आप दिखाने वाले हो ना? हमने थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ी सी कम करते। हाँ थोड़े से टायर्ड हो गए थे ना इसलिए। तो सबसे पहले तो हम ये मैक से हम क्या खरीद के लेकर आए हैं? हम पहले ये दिखाते हैं जो मैक से खरीद के लाए थे। ये तो बिल है, ये तो ये दिखा सकते। हाँ बिल नहीं दिखा सकते हैं, ये आपको अपने आप ही गेस करना होगा। ये मासी अपने लिए न्यू पजामास नाइट वियर्स। हाँ नाइट वियर्स ये वन है, ये सेकंड है, ये सेकंड वन है। ओके और ये दो टी शर्ट्स हैं, ये येलो वाली है। तो ये हमारी है मैक्स की शॉपिंग। अब हम चलते हैं एक बड़े बिग बैग की तरफ। और ये बैग भी नया है, ये बैग भी नया है। और जानते हैं आप ये कहाँ से लिया गया है? मिनीसो। ये मिनीसो से हमने लिया था। और इस खजाने के अंदर क्या क्या है हमारा सामान? ये इसी बैग का पार्ट है। हाँ। इसके अंदर ये फोल्ड होके आ जाता है। हम बस सोचना हमने इसी के अंदर फ्री मिला है। हाँ। हमने खरीदा है। अच्छा ये मेरे खेलने के लिए मैंने शूज खरीदे हैं। हाँ पर ये शूज मिनीसो के नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ ये कहाँ से लिया हमने? ये मासी ने एक पर्स खरीदा है, मैंने एक लिपस्टिक ली है फ्लॉलेस मैट की। तो इतने छोटे हो गए आपको लिपस्टिक का क्या काम? हाँ मेरे को अच्छी लगती है। अच्छी लगती है ये इसका कलर है। देन मासी के एक फ्रेंड ने उनको गिफ्ट करा है। हाँ और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की है। ये मासी ने बिकॉज़ ये हमने किसी को गिफ्ट देने के लिए लिया है। ये एक बैग है। हाँ अच्छा और भी है कुछ इस है? और सैनिटाइजर। सैनिटाइजर है। हाँ ये सारी हमारी मिनीसो की, मिनीसो पे जाओ ना तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है। ये एक मम्मा ने लिपस्टिक ली है। अच्छा अन्या की मम्मा ने वन मोर पर्स। ओ माय गॉड। हाँ ये स्लिंग बैग है। मेरे ख्याल में अभी खत्म हो गया खजाना। और मिनीसो से हमारी ये लास्ट शॉपिंग। ये न्यू स्लिपर्स हैं। और कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। चल चल के पैर भी बहुत थक गए थे बट ये चप्पल में मुझे बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। तो माने आज की हमारी शॉपिंग तो खत्म हो चुकी है जो सारे हमने अपने व्यूअर्स को दिखा दिया है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज की गुड मॉर्निंग जो है वो हमारी हो रही है दिल्ली से। तो अभी दिल्ली में आके बहुत अच्छा लग रहा है और अभी मैं अपनी सिस्टर के घर में हूँ और मैं उसका विजिट करवाती हूँ। उसने इतना सुंदर वो बनाया हुआ है ना अपना टेरेस गार्डन। और सबसे पहले तो मिलो मेरी सिस्टर की बेटी मान्या से। तो मान्या हमारे को विजिट कराने वाली है अपने टेरेस गार्डन की। हाँ और है ना मान्या, आर यू रेडी? यस। और देखो दिल्ली में आने के बाद ना ये जो कॉलोनी का ये व्यू होता है ना कि सब्जी वाला आ रहा है। एक गया और दूसरा भी आ गया है। चलो अभी हम चलते हैं अपने टेरेस गार्डन की सैर करने। तो ये मान्या यहाँ से दिखा रही है, देखो ये इनकी स्टेयर से ही। हाँ यहाँ से ही शुरू। हाँ
देखते हमारी छत को, ये नीरज से और पूरी आजकल तो वैसे भी रेनी सीजन है ना, तो अच्छा लग रहा है ग्रीनरी ग्रीनरी। और माने की ड्रेस भी ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन टूर करवा रही है ग्रीन ड्रेस पहन के। ये हम यहाँ पे कुछ लैंप्स रखे हुए हैं, ये भी देखो, उसे इतने सुंदर सुंदर चीजें है ना कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उसके ये टेरेस गार्डन। जब भी मैं आती हूँ आज तो विजिट ही 2 साल के बाद हो पाया। ये कितना सुंदर सुंदर लैम्प शेड, और सबसे ज्यादा अच्छा है एक ये नया उसने एडिशन किया है बुद्धा जी की। और हमने एक और चीज दिखानी है, ये अजवाइन है जो हमने कोकोनट के अंदर रखे हुए हैं। अरे वाह, कोकोनट शेल के अंदर ये सारे अजवाइन के वो है। अरे वाह, न्यू आइडिया। और ये इनके और ऊपर छत से ये हैंग हो रहा है। चलो आगे का विजिट करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे डियर है और ये हाथी। हाँ हाँ हाँ, और ये फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये हमने यहाँ पे छोटे से चौकीदार रखे हुए हैं। अच्छा, जो कि तुम्हारे टेरेस गार्डन की थी वो करते हैं, रखवाली करते हैं। हाँ। चौकीदार भी बड़ा क्यूट है। वाह, यहाँ पे आगे प्लांट्स है और ये पाम के हैं। और ये मनी प्लांट। यहाँ पे हमने एक वाटरफॉल टाइप्स रखा हुआ है। और ये किसने बनाया था, ये इसके साथ मेरी कुछ पुरानी यादें भी हैं। ये पेंटिंग्स है। ये पेंटिंग नहीं, ये स्टिचिंग है, मैंने भी ऐसी बनाई थी, पता नहीं अब मेरी कहाँ है। हाँ, जहाँ पे मानू बैठेगी। हाँ। बैठो। वाह, और अभी हम सामने से ये देखो ये एक लुक लेने वाले हैं। ये फील रेनी सीजन के अंदर, यहाँ से ये देखो ये पैसेज है और दोनों तरफ प्लांट्स, और यहाँ से फिर झूला, इतने प्लांट, और ये देखो पूरी छत पे एक था, वो गाय। एक और बुद्धा जी यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज आपको दिखाती हूँ जो है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बैंगन आ रहा है, उसमें एक बैंगन भी आया हुआ है। कहाँ गया ये रहा, ये रहा। और अभी और आ रहे हैं ये वाला देख लो, फ्लावर्स अंदर ही आते हैं। अच्छा, और अब एक और चीज दिखाती हूँ, ये भी बैंगन है, इसमें भी टू आ रहा है ब्रिंजल, यहाँ से और वहाँ से। अच्छा, छोटे वाले ऑरेंज जो होते हैं वो है। और ये गेस तो सबको पता होगा ये क्या होता है, लेमन्स है। ये ट्री भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। निकलते एक व्हाइट कलर के एक पिंक के। अच्छा, और ये देखो ये अलग प्लांट है पर इसके अंदर से क्या आ रहा है, देखो जरा यहाँ पे से ये आ रहा है। अच्छा, दो प्लांट ये भी उग गया है। हाँ। ये वाले बहुत सुंदर होते हैं, जब हम बचपन में ना हम लोग इसके नेल बना के लगाते थे अपने नेल के ऊपर चिपका कर। एडिबल वाले है? एडिबल वाले तो नहीं है ये, मतलब ऐसे ही वो है जंगली टाइप के। ये भी बैगन ही है। ये यहाँ पर पता क्या होता है माने, ये म्यूजिक बजाते थे और ये ब्रिंजल उग रहे हैं। हाँ। है ना, म्यूजिक सुन सुन के मजे भी करो। हाँ। पहले ये इसको टच करो, कर रहे हो? नहीं, टच करके क्या वो बंद हो जाती है उसके लिए? टच करो, सिर्फ टच करो, थोड़ा सा रगड़ लो, हाथ हाथ भी नहीं इधर रगड़ लो ऐसे। हाँ, अब हल्का स्मेल करो। पूरी अजवाइन की तो ये इसमें अजवाइन कहाँ होती है, इसी लीफ को यूज कर सकते हैं। आप इसे पकोड़े बनाओ, बड़ा मजा आएगा। अरे वाह, जा उसकी भी विजिट वो करवाया, तेरा वाटरफॉल जो है यहाँ पे हमने वाटरफॉल भी चला दिया है। वाटरफॉल कितना अच्छा लग रहा है। अब माने की क्लास का टाइम हो गया है तो अभी हम मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। ओहो, मेरे को बहुत ज्यादा खुशबू आ रही थी
तो मैंने सोचा कि किचन में जाके देखा जाए, तो ये मासी के लिए स्पेशल कुछ चीज बन रही है। मान्या ने बनाई है कुछ माइक्रोवेव में, और वो हम उसी से सुनते हैं कि मान्या क्या बनाया आपने। केक। किस चीज का केक? एक कप केक है। वाओ, क्या खुशबू आ रही थी मेरे से कि वहां पे लिविंग रूम में बैठा ही नहीं गया। देखो क्या क्विक केक बनाया है मान्या ने, वेरी गुड मान्या। तो अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है कप केक। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, और पता नहीं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाले हैं ये मान्या ही बता पाएगी। अच्छा ये मुझे गैस करना है, गर्म तो नहीं होगा बहुत? आप देख ही सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है। देखिए उसमें जेम्स और ओरियो और शायद मिल्क और हर्शल सॉस भी है। वाह, टू गुड। हमारे इतने छोटे बच्चे ने इतना बढ़िया केक बनाया ना, और ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी बना सकते हो। और क्विक कितने मिनट लगे थे माने आपको? 2 मिनट के अंदर, जितने में मैगी बनती है आप ये भी बना सकते हो। मैगी तो उसके ऊपर बस लिखा होता है, मैगी बनती नहीं है, बट ये बन गया। 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में करने पर ये सब चीजें मिक्स करके। आजकल देखो छोटे छोटे बच्चे कितने क्रिएटिव हो गए हैं। हम आगे कहाँ प्रस्थान करने वाले हैं, और अब हम जा रहे हैं दिल्ली के एक और पॉइंट पर, नानी हाउस, मान्या नानी हाउस। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं। ये होप करते हैं कि आपको ये जो गार्डन टूर है हमारा, टेरेस गार्डन टूर, वो अच्छा लगा होगा। हाँ, तो आगे तुम बोल दो। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल नीता सिक्का व्लॉग्स। Bye.